आपका लाडला पुत्र आ गया। किंतु तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? माँ हूँ, मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है। पिताश्री, माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ तुमसे रुष्ट है। पर माँ मुझसे रुष्ट क्यों है? अब मैं क्या कहूँ पुत्र, तुम स्वयं जाकर पूछ लो। जाओ जाओ जाओ। माँ, क्या आप मारुति से रुष्ट हैं? प्रयत्न तो करो। बताइए ना माँ, क्या आप मारुति से रुष्ट हैं? हाँ। किंतु मारुति ने अब क्या किया माँ? पता है कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, ढूंढ भी रही थी तुम्हें। कहाँ चले गए थे बिना बताए? मारुति तो अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने के लिए गया था माँ। मित्रों के साथ खेलने बाहर, और वो भी बिना मुझे बताए? हाँ माँ, मैं तो पहले भी अपने मित्रों के साथ वाटिका के बाहर खेलने जा चुका हूँ। पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो, और छोटे बच्चों को अपने माता पिता को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। परंतु क्यों पिताश्री? तुम्हें स्मरण है ना, जब तुम्हारी माँ हमें नहीं दिखी थी तो हम कितने व्याकुल हो गए थे। अंजना, अंजना! माँ! फिर सोचो, जब तुम हमें बताए बिना बाहर खेलने चले जाओगे, तुम्हारे ना मिलने पर हमारी क्या दशा होगी? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे भूल हो गई। मुझे वचन दो पुत्र कि अपनी माँ और पिताश्री को बताए बिना तुम कभी भी बाहर नहीं जाओगे। आपका पुत्र मारुति आपको वचन देता है कि मारुति आप दोनों को बताए बिना कहीं नहीं जाएगा।
तुम्हें पता है तुम्हारे ना मिलने पर मैं कितनी भयभीत हो गई थी। भयभीत? आप भयभीत क्यों हो गई थी माँ? क्या आपने शेरों की दहाड़ सुनी या गुरुजी की छड़ी देखी? शेरों की दहाड़ या गुरुजी की छड़ी का तुम्हारे माँ के भय से क्या मतलब? हाँ पिताश्री, भय का अर्थ यही होता है, शेरों की दहाड़ और गुरुजी की छड़ी। ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ पुत्र? पिताश्री, मेरे मित्रों से। उन्होंने बताया कि भय का अर्थ होता है शेरों की दहाड़ और गुरुजी की छड़ी। स्वामी, मैं समझाती हूँ। पुत्र मारुति, तुम्हें सब पता है, पर यदि तुम भय के विषय में कुछ नहीं जानते तो समझ लो कि भय सिर्फ मन का भ्रम है, भय कुछ होता ही नहीं है। परंतु माँ, मेरे मित्र तो स्मरण है ना तुम्हें, मैंने समझाया था तुम्हारे लिए माता पिता ही सबसे अच्छे मित्र हैं। और जो माँ ने कहा उसी को स्मरण रखो और भरोसा करो माँ की बातों पर, और स्मरण रखो कि तुम निर्भय हो, भय से तुम्हारा सामना कभी होगा ही नहीं। समझ गए माँ की बातों को? हाँ माँ, मारुति अब सब अच्छे से समझ गया। परंतु माँ, दूध। दूध? अच्छे से समझाया क्यों नहीं प्रिय? क्योंकि कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसकी संतान कभी भी किसी भी भय का अनुभव करे, इसीलिए मैं भी यही चाहती हूं कि मेरे पुत्र मारुति के जीवन, मन और मस्तिष्क में भय के लिए कोई स्थान न रहे। और फिर जो भगवान शिव के आशीर्वाद से संसार में आया है, उसका भय से क्या नाता? मेरी इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, और ये सभी जीव किसी ना किसी भय के प्रभाव से सदा ही ग्रस्त रहते हैं। कितनी विचित्र बात है, मां के अंधकारमय गर्भ में रहते हुए भी शिशु अपनी पूर्ण सुरक्षा का अनुभव करता है, किंतु जिस क्षण शिशु गर्भ के अंधेरे से संसार के प्रकाश में आता है, उसी क्षण प्रत्येक नवजात शिशु सर्वप्रथम भय का ही अनुभव करता है। अपने इस प्रथम अनुभव से उसका नाता या तो उसके अपने जीवन का अंत होने पर टूटता है, अथवा जीते जी मुझमें एकीकार होने के बाद ही जीव भय मुक्त होता है। स्वयं शिवजी के अंश मारुति तो सदा ही राममय है, उनसे अधिक भय मुक्त भला कौन हो सकता है इस संसार में। आज मैं किसी भी विद्यार्थी को अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दे रहा हूं। मैंने जो आज शिक्षा दी है, घर जाकर आपको उसका अध्ययन करना है। अगले दिन इसी पाठ से प्रश्न पूछूंगा,
जय हो प्रभु। लता है जो मैंने अपनी विनती पत्थर पर लिखकर आप तक भेजी थी, वो मेरी विनती आपने स्वीकार कर ली है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, आज सबका अवकाश है। आओ मित्र, दो दो हाथ कुश्ती हो जाए। वो देखो मारुति भी आ गया। आओ मित्र मारुति। मित्र नील, क्यों ना मारुति और तुम्हारी कुश्ती हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं। मारुति हारने से भय तो नहीं लग रहा है। भय? भय क्या होता है मारुति जानता ही नहीं है। तो ठीक है हो जाए। हाँ क्यों नहीं हो जाए। गुदगुदी क्यों कर रहे हो?
कुश्ती के दांव चलो। ये कुश्ती का ही दांव पेच है मित्र, यहाँ की कुश्ती में ऐसा ही चलता है, बच सको तो बचो। तो ठीक है, अभी लो दांव पेच दिखाता हूँ। मारुति ने क्या टक्कर दी है। क्या हो गया है मुझे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी उलझन का उत्तर मैं जानता हूं। मैं जानता हूं क्यों तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अकेले हो गए हो, अपने मित्रों से दूर। अकेला, मित्रों से दूर? मैं अकेला हो गया हूं? हाँ मित्र, उस मरकट के कारण तुम्हारे सभी मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। ये मरकट कौन है? मेरा तात्पर्य है वो मारुति। वो तो मेरा मित्र है। मित्र होता तो आते ही तुमसे तुम्हारे मित्र छीन नहीं लेता। देख रहे हो ना, देखो देखो। तुम्हारे सभी मित्र तुम्हारे नहीं रहे, वो सभी अब मारुति के संग खेलना चाहते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।